बांसगांव लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए नामांकन पत्रों के जांच के बाद कुल 11 प्रत्याशियों में से विभिन्न त्रुटियों के कारण 7 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ राव के अलावा फेकू प्रसाद, सुरेश, रमेश साहनी, सालिक राम, रामवृक्ष, राकेश कुमार का पर्चा खारिज हो गया है। अब बांसगांव सीट पर मात्र 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से कमलेश पासवान, बसपा से सदल प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और लालचंद प्रसाद सहित शामिल हैं। एडीएम वित्त व राजस्व के कोर्ट में कक्ष संख्या 24 में एआरओ अमित सिंह बंसल ने निर्धारित समय से नामांकन पत्रों की जांच शुरू की और जांच के बाद त्रुटियां मिलने पर 7 पर्चे खारिज हो गए। अब बांसगांव से 4 प्रत्याशियों के पर्चे ही वैध पाए गए हैं। कल लेटर कर दूँगा।